सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी। पंजाब हरियाणा के किसानों को खालिस्तान ने क्या मोहरा बनाया है? क्योंकि जी न्यूज वालों को कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा है, इनको देखते ही भगा रहे हैं। इस तरह से आपके साथ हो रहा है, क्यों ऐसी नौबत आ रही है जी? BSNL प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोले, आप क्या बोलते है भाई? अगर इधर इधर के आज काशी जगमगाने वाली है। आप बताइए कि आलू कैसे उगता है? आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं किसानों के, उसमें आपने कभी हेल्प पकड़ा है? इस देश के कृषि मंत्री जो है उसने हेल्प पकड़ा कभी? ये गोदी मीडिया का सवाल है भाई साहब। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात गोदी मीडिया की करेंगे कि पूरे हफ्ते में गोदी मीडिया ने क्या किया। इस पूरे हफ्ते तो किसान का आंदोलन ही ज्यादातर चला। किसान कुछ दिन पहले सरकार द्वारा लाए अध्यादेशों के खिलाफ दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, जिसके बाद भारी गिनती में किसानों ने दिल्ली के कुछ बॉर्डर पर ही धरना लगा लिया। कुछ मीडिया ने किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी एंगल लाने की कोशिश भी की थी। लेकिन खालिस्तान के निशाने पर अन्नदाता क्यों है, यानी किसानों को क्यों निशाने पर ले लिया, और किसानों की आड़ में क्या अपनी बात को आगे रखना और प्रमुखता से उसे सामने लाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ी बात है। क्योंकि इस आंदोलन के दौरान ही अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गेट पर जाकर खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा, ये धमकी दी गई है। पंजाब हरियाणा के किसानों को खालिस्तान ने क्या मोहरा बनाया है, खालिस्तान आंदोलन की तरफ से क्या मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है पंजाब और हरियाणा के किसानों को, कि इस और उससे ये लगता है कि इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं, और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, और उनका एजेंडा किसानों से अलग है। और इसलिए आज हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। किसान पहले ही गोदी मीडिया के विरोध में थे, इस एंगल के बाद उनमें एक आक्रोश भी देखने को मिला। जब आज तक के पत्रकार किसानों के पास उनसे बात करने पहुंचे, तब किसानों ने उन्हें भगा दिया। सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे, आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं ऐसे है गोदी मीडिया मर्दाबाद। नहीं, हम नहीं बात करेंगे आज तक से, नहीं करेंगे बात। वहीं दूसरी ओर जब एक पत्रकार किसानों से बात करने पहुंचा, तो वहीं दूसरे पत्रकार ने उल्टा उससे ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। हमने ये कल जी न्यूज का लेके आए हुए थे, कल इनको हमने भगा दिया था, तो आज ये माइक चेंज करके आ गए। अब मैंने इसको आते ही पूछा कि आप जी न्यूज के हो क्या, तो ये कह रहा है कि भाई हम जी हिंदुस्तान के हैं। मैं उसका मालिक कौन है? मालिक तो एक ही है, क्योंकि जी न्यूज वालों को कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा है, इनको देखते ही भगा रहे हैं, और आज ये अपना माइक चेंज करके आ गए। लेकिन वही बात है, शक्ल जो होती है ना वो पहचान में आ जाती है, जो इनके ऊपर जो दलाली का जो डब्बा लगा हुआ है ना वो अपना पहचान में आ जाता है जी। पत्रकार मोदी जी, क्या कहना चाहोगे, ये जो इस तरह से आपके साथ हो रहा है, क्यों ऐसी नौबत आ रही है जी? जी क्यों ऐसी नौबत आ रही है, नहीं बताइए आप। देश में वैसे तो ऐसे पत्रकार कम ही हैं जो सरकार से सवाल करें, पर हैदराबाद में GHMC इलेक्शन के दौरान एक पत्रकार ने बड़ी हिम्मत दिखाई और भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे सवालों की बौछार ही कर दी। BSNL प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोले, आप क्या बोलते? BSNL को कोई प्राइवेट नहीं किया, हो गया भाई। अगर इधर इधर के बीजेपी इधर जीते तो कम्युनल रेट्स होता, इधर लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता बोले KCR, आप क्या बोलते? जहाँ जहाँ हम जीते हैं वहाँ कभी कम्युनल राइट्स नहीं है, ये हमारा रिकॉर्ड है। इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए, क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आते बोल रहे, आप क्या बोलते? हमने सबसे ज्यादा पैसा हैदराबाद को दिया है, कर्नाटका और बीजेपी राज्य में पैसे दिए, 1300 crores लाने को मैं लेटर लिखा प्रधानी को, मगर एक पैसा नहीं आया इधर बोल रहे। मैं आज पूरा हिसाब लेकर आया हूँ, और KCR दिल्ली आते बोल के बीजेपी वाले डर जा रहे, ये बोल के दिल्ली से एक गली इलेक्शन को कैंपेन करने को बीजेपी लीडर आए बोल रहे। कोई इलेक्शन गली का इलेक्शन नहीं होता, मैंने कहा ना ये निजाम का कल्चर है जो जनता को गली का इलेक्शन कहते हैं।
जब किसान सड़कों पे थे और प्रदर्शन कर रहे थे तब मीडिया कहां बिजी था? मीडिया मोदी जी को कवर करने में बिजी था, वो भी जब मोदी जी वाराणसी गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। आज काशी जगमगाने वाली है और एक दो नहीं, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों दिए जल रहे हैं। यहाँ पर अभी हमें फ्लोटिंग कैंडल्स यानी जो दीपों को जो अब उसका कोई हिंदी पर्याय नहीं है, लग रहा है कि किसी पेंटर ने कोई पेंटिंग उकेर दी हो। बीच में गंगा, दूसरी तरफ के घाट पे दीपों की, लाखों दीयों की सजावट। जब देवी देवता उतरते हैं जहाँ पे, वो खुद ही स्वर्ग लोक हो जाता है। और अब देखिए ये अलकनंदा क्रूज जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे थे, तो अलकनंदा क्रूज पर प्रधानमंत्री मोदी सवार हो चुके हैं। किसानों से किसका छल, क्या किसानों के बहाने मोदी सरकार को घेरने की सियासी कोशिश हो रही है? हैदराबाद का निजाम कल्चर खत्म होना चाहिए। चार मीनार यहाँ की पहचान नहीं बल्कि समृद्धि की देवी भाग्य लक्ष्मी का मंदिर, यहाँ का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र। गोदी मीडिया को इस बार करारा जवाब किसानों ने दिया। जब भी कोई गोदी मीडिया का नुमाइंदा उनसे बात करने पहुंचा तो उसे भगा दिया गया। अब ये एक वीडियो देखिए जिसमें गोदी मीडिया के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ये मीडिया का सवाल होते हैं, आलू कैसे उगता है? कृषि मंत्री से पूछो हाल कैसे चलता है। सवाल पूछने आए हैं, ये सवाल सबसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आलू कैसे उगता है। आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं किसानों के, उसमें आपने कभी हल पकड़ा है? इस देश के कृषि मंत्री जो है उसने हल पकड़ा कभी? अगर यहाँ पे हम लोग किसानों के समर्थन देने आए तो हमें किसान होना पड़ेगा कि हम अनाज नहीं खाते? नहीं, मैं कह रहा हूँ हम अरे ना ट्रैक्टर चलाना, मैं चाय बनानी आती है भाई साहब, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता। ये देश की जनता को लूटना जानते, कुछ नहीं आता। ये मैडम जो है ये गोदी मीडिया का सवाल है भाई साहब। अगर ये देश में किसानों के हित में बात करना चाहते तो यहाँ ये सवाल नहीं करते कि आलू कैसे उगता है। ये पूछते कि आपको परेशानी क्या है इस बिल से, ये पूछते कि आपको परेशानी क्या है, क्यों आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। ये सरकार कह रही है आप 3 तारीख को आइए। अरे भैया, सरकार से जनता है, जनता से सरकार है। आज तक इको सर मैडम है कि बड़ी सोनी से नखी रब नुस्मत बखे सचे पाशा उनकल दे अंजना ओम कश्यप। ओ बीबी पता नहीं की बोल दिए, वाहेगुरु तेरे भी बच्चे है गेरे, तू भी मर जाने बीबी। ओ शर्म कर शर्म, तू सदा वास्ते, यू आर नॉट इमोर्टल, यू हैव टू डाई वंस, यू हैव टू लिव वंस। देखो तुसी जिंदगी च आए हो, दिस इज अ जर्नी ऑफ अ ट्रेन, जेड़ा इस जर्नी च आया उन्हें जाना है, जो आए सो चल सी। साडा बाबा कह गया सी 550 साल पहला, तुहानू हजे तक अकल नहीं आई। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਜੇ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, गोदी मीडिया अपना काम करे ना करे, हम सवाल सरकार से करते रहेंगे और मीडिया की आलोचना भी करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।